जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग की ओर से भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अपर जिलाधिकारी प्रोटोकॉल की अध्यक्षता में भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं को सुना गया और जल्द ही समस्याओं का निस्तारण कराने का आश्वासन दिया गया। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग की ओर से भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अपर जिलाधिकारी प्रोटोकॉल की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों ने कार्यालय के सभागार में पहुंच अपनी समस्याओं को उच्च अधिकारियों के समक्ष रखा। उनकी जो समस्याएं हैं मुख्यतः उस पर हम लोगों ने गौर करने के लिए बैठक बुलाई थी। ज्यादातर समस्याएं सस लाइसेंस से थी, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर के एरिया में, खास करके जम्मू कश्मीर या और बॉर्डर एरिया में अपना जॉब करके आए हैं यहाँ पे, तो लाइसेंस यहाँ रिन्यूअल का या रजिस्ट्रीकरण का इशू था। उसको हम लोगों ने नोट किया है और उसका समाधान कराएंगे। इसके साथ साथ कुछ समस्याएं राजस्व से संबंधित थी, जिसमें खास करके चक्रोड या जमीन विवाद से संबंधित, उसको भी नोट किया गया है और उस पर गंभीरता से कार्रवाई करी जाएगी। कुछ एक दो शिकायतें, कतिपय शिकायतें पुलिस की भी थी कि उसमें कभी कभी सही से संज्ञान नहीं लिया जाता या यथोचित सम्मान उनको नहीं दिया जाता है। और एक दो से कहते हैं हाल फिलहाल जो कि शादियों का सीजन है, तो डीजे बजाने को लेकर के बच्चों की पढ़ाई भी चल रही, ये सब देखते हुए हम लोगों ने सभी शिकायतों को नोट किया और आश्वासन ये दिया है कि इन लोगों को, चूँकि देश के एक धरोहर हैं और इन्होंने काफ़ी देश के लिए अपना सब कुछ दिया है और हमारे बीच उपस्थित हैं, तो इनसे हमें मनोबल बढ़ता है हमारा भी और इनकी समस्याओं पर हम लोग यथोचित कार्रवाई कर समाधान कराएंगे। गोष्ठी कार्यक्रम में पहुंचे भूतपूर्व सैनिकों की तमाम समस्याएं थी। उनका कहना था कि पोस्टिंग के दौरान जो उनके शस्त्र लाइसेंस बने हैं, उन्हें गृह जनपद पर रिन्यूअल कराने के लिए काफी दिक्कतें आती हैं। वहीं इसके साथ ही हाउस टैक्स को लेकर भी भूतपूर्व सैनिकों की समस्याएं हैं। सभी समस्याओं को अपर जिलाधिकारी प्रोटोकॉल ने सुना और जल्द ही समस्याओं का निस्तारण कराने का आश्वासन दिया। सैनिक कल्याण विभाग बनाने का सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं या सशस्त्र सेनाओं में सेवारत सैनिक हैं, उनके समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति बनाई जाए, जिसमें राज्य सरकार के कार्यालयों के अधिकारी आएं, बैठें और तुरंत प्रभाव से जो उचित कार्रवाई है उसको करवाने के लिए आश्वासन दें, कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। सैनिक बंधु जो या आज यहाँ आए थे, उन्होंने जो समस्याएं बताई हैं वो प्रशासन की ओर से ADM आदित्य प्रशांत तिवारी जी आए थे, पुलिस विभाग से एक इंस्पेक्टर राजीव आए थे, उन्होंने सभी शिकायतों को सुना है और शिकायतों पे निस्तारण करने का, कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया और विभाग में अपने उन्होंने फ़ोन करके बताया भी, सूचित भी किया है। तो हमें अपेक्षा है कि आने वाले सप्ताह दो सप्ताह में ये सैनिक बंधु हमें खबर देंगे, समाचार देंगे कि इनकी समस्याओं का निस्तारण हो गया है। सैनिक बंधुओं की छोटी छोटी समस्याएं थी, उनको उस समस्याओं को ADM साहब ने सुना और आश्वासन किया है कि शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। एक समस्या लाइसेंसों को लेकर थी, क्योंकि बाहर के लाइसेंस बने हुए थे और उन लाइसेंसों का रिन्यूअल में दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने बोला है कि इसका निस्तारण करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी समस्या हाउस टैक्स से थी, तो हाउस टैक्स के बारे में भी बताया है कि उसका भी कुछ निस्तारण निकाला जाएगा। तीसरी समस्या राजस्व विभाग से थी, जिसमें चक्रोड़ों को लेकर भूतपूर्व सैनिकों के घरों को और चक्रोड़ों को घेर लिया है आम लोगों ने, तो उसको लेकर समस्या थी। दूसरा तहसील से लेकर समस्या थी, तहसील में भी एक काउंटर बनाने के लिए हमने बोला है ADM साहब से, तो उन्होंने भी ध्यान से सुना है, उन्होंने बोला भी है कि इस समस्या का भी निस्तारण किया जाएगा। कि जबकि फौजी एक निस्वार्थ ज्ञान में काम करने के लिए तैयार है, फौजियों की समस्याएं सुनी जाएं तहसील लेवल पर, उन्होंने भी बोला है कि इसका निस्तारण भी किया जाएगा। आयोजित बैठक में कैप्टन नौसेना सुनील कुमार, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमांडर AK जिलानी, उपाध्यक्ष सैनिक बंधु राजीव कुमार सिंह, निरीक्षक पुलिस विभाग डॉक्टर अजय पचौरी, चिकित्सा अधिकारी सतीश कुमार आगरा विकास प्राधिकरण, योगेंद्र कुमार वरिष्ठ सहायक सेवायोजन, मनोज कुमार सिंह समाज कल्याण तथा विभिन्न ब्लॉक के सैनिक बंधु उपस्थित रहे। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।